हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल के डॉग्स। मैं डॉक्टर राणा चंचल। मैं डॉक्टर हिमांशु कुमार। मॉनसून सीजन के बाद जो एक कॉमन बीमारी जो अभी पनपने लगी है, डेंगू फीवर या जो हम लोग आम भाषा में डेंगू बोलते हैं, उसको लेके है। हमने इस पे एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इंग्लिश में भी बताया, जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स या जो मेडिकोज हैं उनके लिए। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो को बनाने का पर्पज़ है कि जो जनरल पॉपुलेशन है उसको डेंगू या डेंगी फीवर के बारे में बता के अवेयर करना। तो जो ये डेंगी या फिर डेंगू फीवर जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, ये एक डेंगू वायरस या डेंगी वायरस होता है जिसके शरीर में जाने की वजह से होता है। और इस वायरस को हमारी बॉडी में पहुँचाने का जो सोर्स होता है वो एडीज एजिप्टाई नाम का मच्छर होता है। ये मच्छर काटता है, उसके लार में डेंगी वायरस होता है जो कि शरीर में जाने की वजह से बीमारी कराता है। अब जो ये डेंगी वायरस है इसके भी चार प्रकार होते हैं, चार सीरो टाइप्स होते हैं। और कभी कोई अगर एक सीरो टाइप से हमें डेंगी इन्फेक्शन हो गया है तो उससे तो हमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है कि दोबारा उस सीरो टाइप की वजह से हमें डेंगी नहीं होगा। लेकिन जो बाकी सीरो टाइप्स हैं उनसे अगर मच्छर हमें काटता है और वो डेंगी सीरो टाइप उसकी लार में मौजूद है तो डेंगी इन्फेक्शन दोबारा भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि एक सीरो टाइप लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती है लेकिन क्रॉस इम्यूनिटी नहीं है, यानी बाकी जो तीन सीरो टाइप्स हैं उनसे इन्फेक्शन होने का खतरा लाइफ में आगे बना रहता है। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है आपके। इन शॉर्ट वही है कि एक बार डेंगू हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा नहीं हो सकता, दोबारा भी डेंगू होने का खतरा रहता है। अब आते हैं, जैसा हिमांशु ने बताया कि एक स्पेसिफिक जो मच्छर होता है या मॉस्किटो होता है उसकी वजह से होता है। साइंटिफिक नेम उसका एडीज इजिप्टी है। कॉमनली हम लोग उसको टाइगर मॉस्किटो कहते हैं क्योंकि उसकी शरीर पे एक सफ़ेद सफ़ेद रंग की धारियां बनी होती हैं, बहुत आसान होता है उसको पहचानना। ये मच्छर जो होता है जनरली साफ़ पानी में पनपता है, जैसे कि आपके गमलों में पानी हो, कूलर में जो पानी है उसमें पनप सकता है, कहीं पे भी आसपास छोटे छोटे गड्ढे हैं, पडल्स हैं, उसके ऊपर में भी जो साफ़ पानी रहता है उसमें फैलता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका क्या है कि ये मच्छर एक स्पेसिफिक टाइम पे काटता है। जैसे जनरली हम लोग ये एसोसिएट करते हैं कि मच्छर के जो बाइट मॉस्किटो बाइट्स होते हैं वो रात में होते हैं, ये मच्छर थोड़ा स्पेसिफिक है या थोड़ा पिक्यूलियर है कि ये दोपहर के टाइम या शाम के टाइम ज़्यादा काटता है। तो इस समय आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है खुद के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी, तो इस बात का ध्यान रखें। इस मच्छर के काटने के 3 से 14 दिन यानी 3 दिन से 2 हफ्ते तक के बीच में आपको डेंगू के सिम्टम्स आ सकते हैं क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड है वो आपका 3 to 14 days का होता है, तो इसके बीच में आपको डेंगू के लक्षण आ सकते हैं। और जब ये एक बार लक्षण आ जाते हैं तो 3 से 10 दिन तक ये जो वायरस होता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में घूमता रहता है। इस दौरान अगर मच्छर ने उस इन्फेक्टेड पर्सन को काटा तो वो इन्फेक्शन मच्छर खून के साथ अपने शरीर में ले लेगा, और उसके बाद अगर ये किसी नॉर्मल नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है तो इससे डेंगू के फैलने के इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम लोग ने हिमांशु जनरली देखा है कि एक फैमिली का अगर कोई एक पेशेंट आता है तो जनरली उसके घर में और भी लोगों को होता है। हाँ। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है इस चीज के लिए। हाँ, मच्छर क्योंकि एक से एक को काट के फिर दूसरे को काटता है जिससे कि डेंगू ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ तक तो हमने बात कर दी कि कैसे फैलता है, क्या होता है। अब एक बार जब डेंगू वायरस शरीर के अंदर घुस जाता है तो वो क्या क्या बदलाव ले आता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। 3 तरीके से डेंगू जो है हमारे शरीर में नुकसान पहुँचाता है। पहला तो है जिसको हम बोलते हैं वैस्कुलोपैथी। होता क्या है, इसके अंदर जो हमारी शरीर की जो धमनियाँ होती हैं या कह लीजिए कैपिलरीज होती हैं, उससे जो फ्लूइड होता है जो हमारी खून की नलियों में बह रहा है वो लीक होने लगता है, और लीक होकर वो शरीर के बाहरी हिस्सों में इकट्ठा होने लगता है या शरीर में हमारी कह लो फेफड़ों में इकट्ठा होने लगता है या पेट में इकट्ठा होने लगता है। ये हम लोग देख भी सकते हैं कि डेंगू के पेशेंट में जनरली जो सूजन आती है वो ऊपर से जिस तरीके से सूजन दिखती है उसी तरीके से अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में भी उस तरीके की सूजन होती है, इसी वैस्कुलर लीक या खून की नलियों से पानी या प्लाज्मा निकलने की वजह से। इसी वजह से मरीज शॉक में भी चले जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है ब्लीडिंग होना, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक तो प्लेटलेट काउंट कम होता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शुरुआत में तो चकत्ते होते हैं और अगर काफ़ी ज़्यादा काउंट कम हो जाएगा तो भयंकर ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसके अलावा जो शरीर में हमारे ब्लीडिंग को रोकने के जो तत्व होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोएगुलोपैथी, उसकी वजह से शरीर में ब्लीडिंग होने का खतरा होता है। तो दूसरी चीज़ होती है कि कोएगुलोपैथी या फिर जो ब्लीडिंग होती है। तीसरी चीज़ होती है इसमें मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन होता है, मतलब ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। शुरुआत में लीवर का इन्वॉल्वमेंट होता है, हम बोलते हैं लीवर में सूजन आ गई है, उसकी वजह से बच्चे को उल्टियां होना, पेट में दर्द होना, भूख का कम लगना, ये सारे लक्षण मिल सकते हैं।
बीमारी की सीवियरिटी बढ़ेगी, गंभीरता बढ़ेगी, तो और ऑर्गन्स जो होते हैं जैसे कि दिल पे असर होना, ब्रेन पे असर होना, और जो शरीर के बाकी अंग हैं, किडनी हो गया या जो भी और वाइटल ऑर्गन्स हैं, उन सबको अफेक्ट कर सकता है। तो यही जो तीन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, इसकी वजह से जो भी डेंगू के दुष्परिणाम हमारे शरीर में आने होते हैं, यही तीन कारण से आते हैं। ये तीन कारण जानने के बाद हमें ये जानना होगा कि जो डेंगू फीवर का जो फेज़ होता है, वो भी तीन फेज़ में टोटल एक डेंगू की इलनेस को हम लोग डिफाइन करते हैं या कैटेगराइज करते हैं। तो पहला जो फेज़ होता है वो फेब्राइल फेज़ होता है, यानी जिसमें बच्चे को या पेशेंट को बुखार आता है। दूसरा फेज़ जो सबसे क्रिटिकल होता है उसको क्रिटिकल फेज़ के नाम से ही जानते हैं। और तीसरा जो फेज़ होता है वो रिकवरी फेज़ होता है। तो इन तीनों फेजेस के बारे में हम लोग ब्रीफली बताएंगे, उनको कैसे पहचाने, कैसे उनको ट्रीट करना है उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे बस ये जान लीजिए कि जब पेशेंट जो होता है वो फेब्राइल से क्रिटिकल फेज़ में जाता है, तो वो सबसे ख़तरनाक पीरियड होता है किसी भी डेंगू के मरीज़ के लिए। जनरली जो फेब्राइल फेज़ होता है वो 2 से 7 दिनों के लिए चलता है। और जब बच्चे का या पेशेंट का फीवर ठीक होना शुरू होता है, तब ये जो तीनों चीज़ें बताई हिमांशु ने, ये चीज़ होना डेवलप होना शुरू होती है, जिससे कि पेशेंट की हालत बहुत बिगड़ सकती है। फीवर ठीक होने के बाद ही प्लेटलेट गिरना शुरू होता है, ब्लड प्रेशर गिरना शुरू होता है, हर तरफ पानी भरना शुरू हो जाता है। जो इसीलिए फीवर के बाद वाले फेज़ को क्रिटिकल फेज़ कहते हैं, और इसको सही समय पर पहचानना और सही समय पर ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हम लोग के दिमाग में रहता है कि जब बुखार ठीक हो गया तो मरीज़ ठीक हो रहा है, जो कि बिल्कुल ही उल्टा होता है डेंगू के मरीज़ में। जब बुखार ठीक हो गया तब एक्चुअली पेशेंट को लो होने के या ख़राब होने के या स्थिति ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए एक एक करके इन फेजेस को समझें और जानें कि क्या करना होता है। सबसे पहले जो तीन चरण हमने बात की, इसमें हम बात करते हैं फेब्राइल फेज़ की, ये जिसमें जिस पीरियड में हमारे बुखार आता है। तो फेब्राइल फेज़ में क्या कॉमन लक्षण मिलते हैं? सबसे पहले डेंगू में फेब्राइल फेज़ में तेज़ बुखार से शुरुआत होती है और कोई लक्षण नहीं हुआ। इसके बाद बुखार के साथ और जो लक्षण आ सकते हैं उनमें, जैसे कि मांसपेशियों में दर्द होना, हाथों में दर्द होना, जो हमारे आंखों के चारों तरफ जिसको हम रेट्रो और वाइटल पेन बोलते हैं, ये होना, एक टिपिकल डेंगू फेशीज होती हैं, चेहरे पे लालिमा आना, एरिथमेटस फेशीज जो होती हैं, और आंखों का लाल हो जाना, छोटे छोटे चकत्ते जिनको बोलते हैं पिटिकल रैशेज, वो मिल सकते हैं। तो ये सारे जो हैं फेब्राइल फेज़ में इन सब लक्षणों के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। जैसा हिमांशु ने बताया, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो डेंगू और बाकी वायरल फीवर्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे बाकी वायरल फीवर्स में जनरली सर्दी, खांसी, नाक का बहना, सोर थ्रोट होना, ये सब चीज़ें मिलती हैं जो कि डेंगू में नहीं मिलती हैं। तो ये जो फेब्राइल फेज़ होता है ये जनरली 2 से 7 दिन तक रहता है, और अगर इसमें कोई गंभीर लक्षण नहीं आ रहे हैं तो हम इसको OPD बेसिस पे ही ट्रीट कर सकते हैं। करना क्या होता है इसमें, बेसिकली हमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ही करना है। जैसे कि अगर बुखार आता है तो हम बुखार को कम करने की दवा दे सकते हैं, जिसमें हम पैरासीटामोल दे सकते हैं। अच्छा, कुछ बुखार कम करने की दवाइयाँ जो NSAIDs होते हैं, जैसे कि एस्पिरिन है या आइबुजेसिक है या मेफेनेमिक एसिड है, इस तरह की दवाइयाँ एकदम अवॉइड करनी है, क्योंकि ये प्लेटलेट के फंक्शन के साथ इंटरफेयर करती हैं, और डेंगू के मरीज जिनमें ऑलरेडी प्लेटलेट काउंट कॉम्प्रोमाइज़ होता है उनमें ये ब्लीडिंग होने के चांसेस को बढ़ा देती है। इसके अलावा ज़रूरी क्या है, तेज़ बुखार होता है, ओरल इंटेक कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और हमें कोई भी वायरल इलनेस हो, डेंगू नहीं कोई भी वायरल इलनेस हो, स्पेसिफिकली इसके लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। मरीज़ को ORS पिलाते रहें, जो एक ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी सॉल्यूशन आता है, नारियल पानी है, छाछ है, दूध है, इवन नॉर्मल प्लेन वाटर भी है, ये सब उसको देते रहें। एडिक्वेट ओरल इंटेक अगर मरीज़ का है, पैरासीटामोल अगर वो ले रहा है, साथ ही कंप्लीट उसको बेड रेस्ट कराएं अगर कोई और लक्षण नहीं मिल रहे हैं। तो इससे फेब्राइल फेज़ में अगर कोई नई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है तो मरीज़ इम्प्रूव कर जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बतानी और ज़रूरी है कि पैरासीटामोल तो देना ही है, और बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसमें मरीज़ का कितना पानी वो पी रहा है ये मेज़र करते रहें, मरीज़ पेशाब कितना कर रहा है ये चीज़ मेज़र करते रहना ज़रूरी है, और ब्लड प्रेशर, अगर घर पे ब्लड प्रेशर नापने की मशीन हो तो वो हम चेक कर सकते हैं, और कुछ डेंजर साइंस या वार्निंग साइंस होते हैं जिनको कि देखना ज़रूरी है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि एक बार बुखार जब उतर जाता है उसी वक्त पे मरीज़ के तीमारदार, मरीज़ और कभी कभी क्लिनिशियन भी संतुष्ट हो जाते हैं कि चलिए इन्फेक्शन से छुटकारा मिला। लेकिन डेंगू में यही एक क्रिटिकल फेज़ होता है, यहीं पर परेशानियाँ आना शुरू होती हैं। तो बुखार के उतरने को इम्प्रूवमेंट से ना जोड़ें। इन शॉर्ट, आपको एक डायरी मेंटेन करनी है जिसमें कि आप हर 2 से 4 घंटे का बुखार नाप के लिखेंगे, टेम्परेचर मॉनिटरिंग करेंगे,
कितना पानी दिया है, कितना फ्लूड इंटेक है, उसको 6-6 घंटे की मॉनिटरिंग एक डायरी में बना के करनी है। कितना पेशाब हो रहा है उसको आप नाप के एक डायरी में लिखें। अगर घर में ब्लड प्रेशर नापने की मशीन है, आजकल डिजिटल मशीन्स आती हैं, तो 6-6 घंटे पे या 4-4 घंटे पे ब्लड प्रेशर नाप के भी लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ वार्निंग साइंस या डेंजर साइंस जो कि आपके डॉक्टर आपको बताते हैं, उनको ध्यान देते रहिएगा कि अगर इस तरह के लक्षण आते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब पेशेंट फेब्राइल फेज से क्रिटिकल फेज में एंटर करता है। तो क्रिटिकल फेज जो होता है वो जैसा अभी बताया कि फीवर के ठीक होने के 24 से 48 घंटे के बाद से शुरू होता है। इसी फेज में सबसे ज़्यादा मॉर्टैलिटी होती है। ज़्यादातर पेशेंट्स जो डेंगू के होते हैं वो 90% पेशेंट जो होते हैं वो फेब्राइल फेज के बाद ठीक हो जाते हैं, यानी OPD बेसिस पे ही ठीक हो जाते हैं। 10% पेशेंट्स जो होते हैं वो क्रिटिकल फेज में जाते हैं और उनको ICU केयर या आगे की केयर की ज़रूरत पड़ती है या उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। दो तरीके के क्रिटिकल फेज हो सकते हैं। एक, डेंगू में अगर वार्निंग साइंस आ रहे हैं इसका मतलब वो पेशेंट क्रिटिकल फेज में जा रहा है। दूसरा, अगर पेशेंट शॉक में जाता है यानी BP बहुत ज़्यादा कम होना शुरू होता है। तो क्रिटिकल फेज को पहचानने का तरीका यही होता है कि अगर पेशेंट जो है वो पेशाब करना कम कर दिया हो, उसको बहुत ज़्यादा कहीं से ब्लीडिंग शुरू हो गई हो, जो चकत्ते दाने पड़े हुए थे जिसको पिटेकी कहते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, चेहरे पे बहुत ज़्यादा सूजन आ जाए, BP एकदम गिरने लग जाए, पेशेंट जो है वो बहुत सुस्त हो जाए, ये सारी जो बातें हैं ये बताते हैं कि अब क्रिटिकल फेज शुरू हो गया है। अब क्रिटिकल फेज में जो खतरनाक वाला होता है वो सीवियर डेंगी या डेंगी विद शॉक होता है, वो ICU में ही मैनेज होता है। और जो बीच में जो आता है वो होता है डेंगी विद वार्निंग साइंस। तो ये वार्निंग साइंस की जो लिस्ट है वो अच्छे से आपकी अगर डायरी में लिखी होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि अगर इनमें से कोई भी वार्निंग साइन आ रहा है आपके पेशेंट को या बच्चे को तो तुरंत हॉस्पिटल में रश करें। वो वार्निंग साइंस होते हैं जैसे कि अगर लगातार खूब ज़्यादा उल्टियाँ मरीज़ लगातार किए जा रहा है तो एक वार्निंग साइन ये होता है। अगर मरीज़ पेट में दर्द की शिकायत कर रहा है, सीवियर एब्डोमिनल पेन की, एक वार्निंग साइन ये होता है। पेशाब होना कम हो गया, ओरल इंटेक अगर कम हो गया, जो पहले कम चकत्ते पड़े हुए थे, मैंने बताया था माइल्ड पिटिकल रैशेज थे, अगर वो बढ़ जाएँ और ब्लीडिंग बढ़ जाए, जैसे कि मसूड़ों से खून आने लगे, नाक के रास्ते खून आने लगे, लेटरिन में खून आने लगे, ये सब वार्निंग साइंस होते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि लीवर फंक्शंस भी डेरेंज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से पीलिया वाले लक्षण आ सकते हैं, ये भी एक वार्निंग साइन होता है। जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल करने लगता है, अगर आप मॉनिटरिंग पहले से कर रहे थे और आपने नोटिस किया कि BP फॉल कर गया है, ये भी एक वार्निंग साइन होता है। और ब्लड इन्वेस्टिगेशन जब हम कराते हैं तो हीमेटोक्रिट जो कि हमारा कंप्लीट ब्लड काउंट में होता है वो, और प्लेटलेट काउंट्स, इनको देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वार्निंग साइंस आ रहे हैं यानी फ्लूइड लीक होने लगा है तो हीमेटोक्रिट बढ़ने लगता है और प्लेटलेट काउंट जो है बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगता है। तो ये सारे वार्निंग साइंस अगर प्रेजेंट हैं तो तुरंत से तुरंत आप अपने आसपास के डॉक्टर से संपर्क करें। तो फेब्राइल फेज के बाद आता है क्रिटिकल, और क्रिटिकल फेज़ अगर अच्छे से हैंडल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर मोर्टैलिटी जो होती है वो इसी क्रिटिकल फेज़ में होती है, तो थर्ड फेज़ आता है, वो होता है रिकवरी फेज़। रिकवरी फेज़ भी क्रिटिकल फेज़ के ख़त्म होने के बाद, यानी जब प्लाज्मा लीक बंद हो जाता है, जब अंदर से बच्चे की या पेशेंट की इम्यूनिटी जब रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है, तो प्लाज्मा लीक बंद होने के बाद से रिकवरी फेज शुरू हो जाता है। ये भी 24 से 48 घंटे के बाद शुरू होता है क्रिटिकल फेज़ के। यहाँ पे हमें कुछ ऐसे स्टडीज़ में डेटा मिलते हैं कि डेंगी का जो फीवर होता है वो टोटल 14 डेज में जनरली ठीक हो जाता है, पेशेंट पूरा रिकवर कर जाता है। प्लेटलेट जो होते हैं वो 9वें दिन से, यानी फीवर आने के 9वें दिन से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो यानी पहले एक हफ्ते में जब तक बुखार रहता है तब तक नॉर्मल रहते हैं, उसके बाद जब बुखार ठीक होता है तो प्लेटलेट गिरना शुरू होते हैं, और 9वें दिन से फिर हम लोग उम्मीद करते हैं कि प्लेटलेट बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और फिर 14 दिन तक पेशेंट जो होता है वो कम्प्लीटली रिकवर कर जाता है। तो ये तीन फेजेस इंपॉर्टेंट हैं डेंगू के लिए समझना। इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और हमारे जो अगला पार्ट इसका सेकेंड वीडियो होगा उसमें डेंगू का ट्रीटमेंट कैसे करना है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या चीज़ें हमें करनी हैं, क्या चीज़ें नहीं करनी हैं, और टेक होम मैसेज आप लोगों के लिए क्या होगा, ये सब चीज़ें लेके हम आएंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ आप देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, ये वीडियो लाइक कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको शेयर भी कर लीजिएगा अपने जो भी रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, जिन लोगों के लिए भी आप चिंता करते हैं। तो और आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम लोग सारा ट्रीटमेंट के बारे में बताने वाले हैं। थैंक यू। थैंक यू।